बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं आपके साथ सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 के कुछ मुशाहदात लेकर हाजिर हुई हूँ, इंशाल्लाह ताला जिनको सुनने के बाद आपको अपने मसाइल के हल करने में बहुत मदद मिलेगी। एक साहब बताते हैं, अस्सलामुअलैकुम हकीम साहब, सरगोधा में मुझे किसी ने फ़ोन पर कहा कि उनके घर एक 35 साल खातून को कैंसर है और डॉक्टरों ने उसे ला इलाज करार देकर घर भेज दिया है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बताएं। मैंने अपकरी दफ्तर से हज़रत साहब से मुलाकात का वक्त लिया हुआ था। जब हज़रत साहब से मुलाकात हुई तो आपने उन्हें फरमाया कि सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 फ़ाकुते आ दाबिरुल कौमिल ना ज़लामू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन दिन रात कसरत से पढ़ते रहे। इस दिन के बाद काफ़ी अरसा मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। पिछले दिनों जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि इस आयत को हर वक्त पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खातून बिल्कुल सेहत याब हो गई हैं, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें ला इलाज करार दे दिया था। एक साहब फरमाते हैं, आज सुबह मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें हज़रत दामद बरकाते हिम फरमा रहे थे कि आज नौ चंदी जुमेरात है। जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत हैरान हुआ कि आज तो नौ चंदी जुमेरात नहीं है, लेकिन फिर उस वक्त मेरी हैरत ख़त्म हो गई जब दर्स के बाद हज़रत दामद बरकाते हिम ने फरमाया कि आज नौ चंदी जुमेरात की तरह नफी असबात का जिक्र होगा। हज़रत साहब ने मुझे जो वजीफ़ा सूरह इनाम की आयत 45 यानी 45 का दिया हुआ है, मैं वो रात को पढ़ते पढ़ते ही सो जाता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती है और मैं सुबह फजर के वक्त नमाज के लिए आसानी से उठ जाता हूँ। एक साहब फरमाते हैं, मेरी चची का अपने हावंद के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था और नौबत तलाक तक पहुंची हुई थी। मैंने दर्स में सुना हुआ था कि सूरह इनाम की आयत 45 पढ़ने से नामुमकिन मसाइल हल हो जाते हैं और ला इलाज बीमारियों का खात्मा हो जाता है। मैंने अपनी चची को यही आयत बता दी। उन्होंने तकरीबन 1,00,000 मरतबा ये आयत पढ़ी तो उनका मसला बहुत अच्छे तरीके से हल हो गया है। एक साहब फरमाते हैं, मैं अपने मुशाहिदे के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे एक दोस्त के मकान पर किसी अफगानी ने कब्ज़ा कर लिया था और वो किराया भी नहीं दे रहा था। मैंने उसे हज़रत साहब की तरफ से दर्स में बताई हुई सूरह इनाम की आयत नंबर 45 वाली दुआ बता दी कि ये तुम सारा दिन वुजू बे वुजू कसरत से इस अफगानी की नियत करके पढ़ते रहो, इंशाल्लाह ताला तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कुछ दिनों बाद इसने बताया कि मेरे कुछ लोग दुश्मन थे, उन्होंने आकर इस अफगानी से मेरा एग्रीमेंट करवाकर मकान खाली करा दिया है और वो मकान खाली करके चला गया है। एक साहब फरमाते हैं, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और मैं मौलाना वली साहब हिफ्जुल्ला का कज़न हूं। तकरीबन 2 साल पहले हम पर झूठा मुकदमा बना था। जब मैं हज करके वापस आया तो मुखालफीन ने मेरे भाई पर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुझे भी इसमें मुलविस करवा दिया। इस परेशानी में घर वाले हजरत साहब के पास आए तो आपने सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 कसरत से पढ़ने को फरमाया। हम सब घर वाले कसरत से पढ़ते रहे और अल्लाह ने हमें पुलिस स्टेशन और अदालतों वगैरह सब जगह से बाइज्जतों पर बरी कर दिया। इसके पढ़ने की बरकत से 2-3 और मुकदमे भी बने थे, वो भी ख़त्म हो गए। एक साहब फरमाते हैं, मेरी वालिदा को एक बार गलत इंजेक्शन लगने की वजह से ज़ख़म हो गया था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी उठानी पड़ी, हत्ता के ख़तरा हो गया कि यह ज़ख़म कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकता है। फिर मैंने कसरत से सूरह इनाम की आयत नंबर 45 यानी 45 फ़ाकुते आ दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और हामीम ला युनसरून पढ़कर अपनी वालिदा को हदिया किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज 100% आए और वो ज़ख़म ठीक हो गया। मैं आपको यहाँ हदिया करने का तरीका बता दूँ। बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हदिया कैसे करते हैं, तो आपने अगर किसी को अल्लाह के नामों का या कुरान पाक की किसी आयत का
या कोई भी अल्फाज पढ़कर हदिया करना है तो आपने अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो मैंने ज़िक्र किया है मैं इसका सवाब इस शख्स को इसकी रूह इस शख्स को पहुँचाता हूँ और अल्लाह ताला इस हदिया करने की नीयत से बरकत से उस शख्स का दिल नरम कर देता है और आपका जो है वो मसला हल हो जाता है। तो आपने उसको जो पढ़ना है उसको तोहफे में दे देना है और अल्लाह ताला को यही कहना कि अल्लाह ताला मैंने जो पढ़ा है इसको मैंने तोहफे में दे दिया है और इसका इसकी इसको जो है मैंने ये सवाब इसका पहुँचा दिया है। तो अल्लाह पाक तू इसका सवाब भी इसको पहुँचा दे और अल्लाह पाक जो है आपके जो तोहफे में आपने चीज़ दी होती है उसका सवाब उसको पहुंचा देता है। उस जिक्र से उसका जो है दिल नरम पड़ जाता है और अल्लाह पाक आपका मसला हल फरमा देते हैं। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया।